तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 70% बैटरी है और 1 मिनट हम इसको वीडियो को प्ले करेंगे। अभी हो चुकी है 10 सेकंड की वीडियो। इसमें इश्यूज कितने आ रहे हैं आप सभी को, वो सारे के सारे इश्यूज हम लेने वाले हैं। कितने क्या यहाँ पे टॉप के 10 इश्यूज लूंगा, उसके अलावा आपके रहते हैं इश्यूज तो जरूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अमेजिंग आप सभी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यहां पे सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहां पे टोटली डिफरेंट है आपकी जो फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच है। एंड ये एप्पल की वॉच सीरीज अल्ट्रा को कॉपी करती है पूरा का पूरा। यहाँ पे अगर एप्पल की वॉच सीरीज अल्ट्रा देखें तो यहाँ पे एकदम हूबहू आइडेंटिकल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये है कहीं ना कहीं पूरा डिटो कॉपी कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिल जाती है, बट एक्शन बटन में ये नहीं, यहाँ पे एक्शन बटन में आपको सिम पड़ती है, यहाँ पे प्रॉपर सिम का सपोर्ट मिलता है, नैनो सिम के साथ आती है। और सबसे अच्छी बात है कि ड्रीम वॉच और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है यहाँ पे ये ब्लूटूथ कॉलिंग भी सपोर्ट करती है। ब्लूटूथ कॉलिंग ही करती है बेसिकली सपोर्ट, ये ब्लूटूथ नोटिफिकेशन सपोर्ट करती है। एज अ फिटनेस वॉच काम करेगी आपके फोन के साथ जब ये कनेक्ट रहेगी ब्लूटूथ के थ्रू, कॉलिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो ये OTA अपडेट थ्रू कंपनी को रिजॉल्व करने की जरूरत है। ये हो सकता है ये इशू आराम से रिजॉल्व हो सकता है, चाहे तो कंपनी आप कब तक रिजॉल्व करती है वो तो नहीं पता मेरे को। एंड दोनों में मैंने सिम नहीं डाल रखा है, मतलब मैंने अभी एक वीडियो बनाया, आपने जाके चेक कर लीजिए। ड्रीम वॉच के भी टॉप 10 मैंने रीजन लिए, टॉप 10 इशूज लिए और यहाँ पे भी टॉप 10 इशूज लेना था। यहाँ पे सबसे पहले सिम यहाँ पे काम नहीं करती। सबसे पहला लोगों का इशू है कि मतलब सिम डालो तो यहाँ पे शो नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वॉच मिली, आपने इसमें सिम डाला, सिम नहीं शो करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉच में आपको एक बार एयरप्लेन मोड को एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद आपको सिम यहाँ पे देखो यहाँ पे एयरप्लेन मोड आ चुका है, उसके बाद यहाँ पे टैप करना है, वापस से यहाँ पे सर्च करने लगेगा। उसके बाद भी जैसे कि इसमें नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको एक काम ये करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है वॉच को, दैट्स इट। उसके बाद ये वॉच होपफुली सिम आपकी वॉच में आ जाएगी। तो ये जो सबसे पहला इशू लोगों को आता है जब वॉच मिलती है तो वो ये सोचते हैं कि वॉच खराब मिली है मेरे को, सिम काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सिम काम करता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, रीस्टार्ट कर लेना है अपनी वॉच को। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपकी वॉच में होपफुली सिम काम करने लगेगी। सेकेंड जो इशू लोगों को आ रहा है यहाँ पे वो है कि ऐप शो नहीं करता। यहाँ पे लोग मेरे से पूछ रहे थे ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सिंपल सा काम आपको करना है, इसके सबवे सर्फर है मेरे पास, ये यहाँ पे सपोज ये वाला है, तो यहाँ पे कोई भी टैप करके आपका डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा जैसे कि ड्रीम वॉच में आता था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, देखो व्हाट्सएप भी मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल नहीं कर सकता, तो कैसे होगा तो मैं बताता हूँ आपको। सिंपल सा काम करना है आपको, यहाँ पे आपको आना है, देखो बैटरी कितनी जल्दी इसकी जा रही है, 73% बची है, 80% थी अभी, और यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन हो चुका है ऑटोमेटिक, जब ये रिस्टार्ट होती है ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, ये कोई इशू नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट कर रखा है। यहाँ पे सेटिंग पे जाना है आपको, नहीं नहीं होम स्क्रीन पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे जाना है सेटिंग पे आपको। सेकंड जो इशू आपको आ रहा है ना कि मतलब ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, सेटिंग में जाना है आपको। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐप्स पे जाना है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ये रही, स्मॉलर डिफॉल्ट ये है, थोड़ा सा और नीचे आना है, ऐप व्यू का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे एप्लीकेशन ये रहा। तो एप्लीकेशन में आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी जो भी आपने इंस्टॉल कर रखी है, और सिस्टम एप्लीकेशन भी आ जाएंगी। ध्यान रखना सिस्टम एप्लीकेशन आपको नहीं छूना है, और अदर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो। इसकी मल्टी टच वाला, इसको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है, अनइंस्टॉल मैंने कर दिया और मल्टी टच वाला यहाँ से हट जाएगा, है ना। और थर्ड जो इशू आता है लोगों को वो ये है कि यहाँ पे जब वो ऐप इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि वो नहीं आता जो टॉगल मेन्यू आता था ना उसमें ड्रीम वे, ऊपर से बैटरी भी शो कर देता था। तो इसमें बहुत बड़ा इशू है कि मतलब आपको होम स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, देन ओनली यहाँ पे ये बैटरी आप देख सकते हो। यहाँ पे सपोज मैंने वाईफाई ऑन किया और कनेक्ट कर लिया मैंने, अभी गाइज मेरे में सिम नहीं पड़ी है इसलिए यहाँ पे सिम नहीं दिखा रहा है, वैसे सिम वाला इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया है। आपके कोई दिक्कत आएगी तो आप कर सकते हो ऐसे। अब गाइज यहाँ पे थर्ड जो इशू है वो है, यहाँ पे प्ले स्टोर से इसकी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो और वो स्क्रीन पे नहीं आती है। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे जैसे कि फाइल मैनेजर है इसको हम इंस्टॉल करते हैं, और ध्यान रखना आपको जो अकाउंट है वो बना लेना है जीमेल का, देन ओनली यहाँ पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगी। देखो इंस्टॉल हो रही है और डाउनलोड हो चुकी है, ये हो गई। अब ओपन है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, और ये आपका यहाँ पे भी आ चुका है ये, देखो फाइल मैनेजर। तो
तो यहाँ पे मेरे में शो कर रहा है, अगर नहीं शो कर रहा है आपके में तो आपको यहाँ पे इसको वॉच को रीस्टार्ट कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद शो करने लगेगा, देखो यहाँ पे पूरा आ चुका है ना, ऐप्स कितनी हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यू फाइल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। आप होम पे आते हो। अब गाइस जो फोर्थ इशू है लोगों को वो है यहाँ पे मेन जो कहीं ना कहीं कैमरा का इशू। मतलब मैं यहाँ पे गूगल पे फोन पे पेटीएम डाल तो देता हूँ, बट मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करूँ। सपोज मैं यहाँ पे पेटीएम डाल के देखता हूँ एक बार, यहाँ पे रहा। इसका थोड़ा टच रिस्पॉन्स बेटर है, बट ये कि थोड़ा रैम रोम का थोड़ा सा देते ना, बेटर रैम रोम देते तो और ज़्यादा बेटर था, थोड़ा सा लैग करती है। 60 Hz का स्मूथ UI तो मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं इसमें। तो यहाँ पे पेटीएम मैंने इंस्टॉल कर लिया है, देख सकते हो काफ़ी फास्ट होता है यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब गैस यहाँ पे इशू ये है कि लोगों को QR कोड को स्कैन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली बात है नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कैमरा नहीं है, और सिर्फ आप उनकी UPI ID पे दे सकते हो पैसे, या तो आप फ़ोन नंबर पे दे सकते हो। एंड इस तरीके से आपका यहाँ पे पेटीएम काम करेगा और यहाँ पे आ जाएगा पेटीएम। अभी जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम फोर्थ जो इशू है उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। जो फोर्थ इशू है हमारा वो है यहाँ पे मल्टी टच, कहीं ना कहीं तो मल्टी टच इसमें नहीं है। सिंगल टच टेस्ट, मल्टी टच टेस्ट, ये देखो जरा, सिंगल टच है, मल्टी टच यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। देखो एक ही फिंगर है, दो तीन फिंगर में लगाता हूँ तो नहीं काम करता है। तो ये इशू है लोगों के में भी इशू है, और ये मेरी वॉच में भी इशू है, क्योंकि इसमें आपको मल्टी टच का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ इशू लोगो है, और ये पेटीएम देखो इंस्टॉल हो चुका है, और पेटीएम यहाँ पे प्रॉपर वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने UPI ID पे भी पेमेंट किया हुआ है, और स्कैन तो नहीं करता क्योंकि कैमरा नहीं है इसके अंदर। तो ये फोर्थ कहीं ना कहीं थर्ड पॉइंट बेसिकली काउंट करता है, फोर्थ पॉइंट आपका मल्टी टच सपोर्ट नहीं मिलता इसमें। अब गाइस यहाँ पे फिफ्थ जो इशू है वो है इसका बैटरी। गाइस बैटरी ज़्यादा नहीं चलती, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो बैटरी अब 70% बची है, 3% दोबारा उड़ चुकी है इसमें बैटरी, और यहाँ पे नहीं चल रही है, देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा जो हमारा फिफ्थ इशू है, उस इशू में आपको लाइव दिखाऊंगा कि 1% वीडियो, मतलब 1 मिनट की वीडियो चला के कितनी बैटरी इसकी खपत होती है। तो वो फिफ्थ इशू में काउंट हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये रहा हमारा चैनल, और यहाँ पे हम कोई वीडियो को प्ले करते हैं, ये रहा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 70% बैटरी है, और 1 मिनट हम इसको वीडियो को प्ले करेंगे। अभी हो चुकी है 10 सेकंड की वीडियो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बोल्ट के हूँ तो सारे के सारे मेरे पास रखे हुए हैं, और कुछ रह जाते तो जरूर मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक दे दीजिए, एक लाइक ठोक दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी आप ऑल कर दीजिए। जब भी हमारी न्यू वीडियो है तो आप तक नोटिफिकेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस मैं बताऊंगा आपको, और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बर्ड्स में कंफ्यूज करूंगा। यहाँ पे मैं जो मेन बर्ड्स हैं जो ऑन ऑफर आने वाले हैं बिग बिलियन डे सेल पे, या कह सकते हो अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन पे, तो वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन तो नहीं आएगा, बट कोई ना कोई फेस्टिव सीजन के तौर पे ही यहाँ पे 58-59 100 बिग बिलियन डे सेल आने वाला है। मतलब 1 मिनट पूरा हो चुका है, अब हम चेक करते हैं इसकी बैटरी कितनी बची है। देखो 2% बैटरी चली गई। तो अगर मैं ड्रीम के मुकाबले कंपेयर करूं तो ड्रीम वॉच में 1% बैटरी जा रही थी 1 मिनट में, यहाँ पे 2% जा रही। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट चलेगी लगातार अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हो। तो ये बहुत बड़ा इसमें इशू है कि इसकी बैटरी जल्दी आती है। और सिक्स्थ इशू जो है इसका वो है हीटिंग होती है इसमें भी, जैसे कि आपकी ड्रीम वॉच में होती है वो इसमें भी हीटिंग है, उसका कुछ नहीं कर सकते हम, और गर्मी में तो और हीट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चार्जिंग टाइम यहाँ पे दोनों ही वॉचेस ऑलमोस्ट इक्वल लेती हैं। ड्रीम वॉच हल्का सा बेटर, जल्दी चार्ज हो जाती है, ये थोड़ा सा डिले चार्ज होती है। तो छठा यही काउंट हो जाएगा। सातवा जो इशू लोगों को आता है वो है इसके नोटिफिकेशन नहीं आते सही से। तो गाइस देखो नोटिफिकेशन का क्या है कि अगर आप वाईफाई से कनेक्ट रखोगे तो आपके नोटिफिकेशन आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्टिवेट कर रखे हैं यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं वो आपने बना रखे हैं व्हाट्सएप के, मैंने तो नहीं बना रखे हैं, तो आपके नोटिफिकेशन आएंगे बकायदा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। आठवां जो इशू है वो है यहाँ पे GPS का क्या इशू, इसमें भी इशू है। तो गाइज इसमें इशू कम है GPS का, उससे बेटर यहाँ पे काम करता है GPS। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये रहा मैप्स। तो गाइज ड्रीम वॉच से बेटर काम करता है इसमें GPS, और मल्टी टच सपोर्ट होता तो उसमें मज़ा आता, वो इसमें नहीं दिया गया है एक तरफ से। अब यहाँ पे ATMs वाला टैप करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा सर्च हो रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शंस पे जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस ले चुका है ये, यहाँ पे इस पर जैप करते हैं, ये रहा देखो
मैं डायरेक्शन ले लिया, बट ये कि यहाँ पे बहुत एक्यूरेसी के हिसाब से स्लाइटली उससे बेटर परफॉर्म करती है ड्रीम वॉच से, बट एकदम फोन से अगर कंपेयर करो तो वो नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। यहाँ पे क्या पबजी अबजी या जो हैवी गेम्स है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं? कर सकते हो, बट लैग करेगा गाइस, इसका प्रोसेसर उतना ज़्यादा बेटर है नहीं। और वो एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसी इशू में, वो है यहाँ पे अपडेट्स का। अपडेट्स गाइस कैसे आएंगे, इसके अपडेट्स क्या हमको मिलेंगे लॉन्ग टर्म? तो गाइस अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी एक सिक्योरिटी पैच तो आया था 300 MB का करीब, तो वो अभी मार्च का ही था तो काफ़ी अच्छा रहा। बट यहाँ पे एंड्रॉयड 10 है तो 11 इसमें मिल सकता है, तो गाइस आई थिंक इसमें 11 मिल सकता है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अपडेट भी काफ़ी पुराना है इसका, तो कहीं ना कहीं कंपनी को एंड्रॉयड 11 पे अपडेट करना चाहिए इसको। अब देखते हैं कब तक करती है, बट सिक्योरिटी पैच इसका बहुत ज़्यादा पुराना है कहीं ना कहीं। एंड गाइस यहाँ पे 11 में एक बोनस पॉइंट में ऐड करता हूँ, इसका जो प्राइसिंग है गाइस कम हो सकता है क्या वापस से 5,000 रुपये में जा सकता है? तो यस गाइस जा सकता है, अभी आई थिंक 6,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में होगी वॉच। एंड 6,000 रुपये में डील गाइस, इससे बेटर तो मेरे ख्याल से ड्रीम वॉच है। एंड ये इसकी बैटरी भी ज़्यादा खपत होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ड्रीम वॉच की कम खत्म होती है इससे बैटरी, तो ये है कहीं ना कहीं। तो गाइज यहाँ पे प्रैक्टिकल यूजेस में यहाँ पे ड्रीम मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, इसमें कॉलिंग प्रॉपर कर सकते हैं, इसमें भी कॉलिंग कर सकते हैं, बट अगेन गाइज थोड़ा सा बल्की डिजाइन लगता है इसका। तो गाइज मेरे ख्याल से ड्रीम ज़्यादा बेटर है इस वॉच से, मैंने कंपेयर किया था, ओरेकल को थोड़ा सा बेटर बताया था, बट वो मैंने इनिशियल बेसिस पे किया था, बट मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे बैटरी भी कम चल रही है, ऊपर से यहाँ पे जो मोबाइल असिस्टेंट जो इसमें है ना वो उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ कॉलिंग में इसमें कर ही नहीं सकता, सिर्फ नोटिफिकेशन ही आते हैं दैट्स इट। तो गाइज यही है एक कहीं ना कहीं। अब गाइज यहाँ पे टॉप के 10 इशूज़ मैंने आपके सामने रख दिए, अगर कुछ इशूज़ इसमें रिजॉल्व भी कर दिए, कुछ इशूज़ रिजॉल्व नहीं हुए हैं तो मे बी इन फ्यूचर वो रिजॉल्व होंगे तो आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरी रहता है इस वॉच से रिलेटेड तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।